Hi, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Good morning from Munnar. और ये मुन्नार के मेरे रूम से बाहर का व्यू देख सकते हो. कल मैंने आपको दिखाया यहाँ का लोकल मार्केट और 100 रुपीज़ में बंक बेड कैसे अपन लोग बुक कर सकते हैं और साइट सीन के लिए बस कैसे बुक कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ के कुछ लोकल मार्केट मैंने दिखाई और अभी हम लोग जाने वाले हमारे साइट सीन के लिए, जिसके लिए हमने कल रजिस्टर करा था. पहले पेमेंट करेंगे, दिन उसके बाद में आगे चलेंगे. तो आगे चलता हूँ, आगे चल के मैं आपको मिलता हूँ. ठीक है, अभी हम लोग नीचे आ गए. नीचे से आप देख सकते हो पूरे चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखेगी और मुन्नार के टी गार्डन्स दिखेंगे. बाकी मैं आपको आज तो पूरा दिन टी गार्डन दिखाने ही वाला हूँ. ठीक है, और आगे चलते हैं, आगे चल के मिलता हूँ. अभी हम लोग बस स्टैंड पे आ चुके हैं. अभी पहले हमने ब्रेकफास्ट करा, ठीक है, और अभी बस स्टैंड पे आ गए. बस स्टैंड पे हम पहले वो टिकट लेंगे. टिकट लेके फिर मैं मिलता हूँ आपको. अभी हमने टिकट ले लिया है. वही मैंने बताया था, आप अगर कल रजिस्टर कर देते तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है. और ये इसका टिकट है, 300 का टिकट पड़ा. और बाकी अभी हम लोग साइट सीन बस पे जाएंगे. साइट सीन बस में जाके फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ. साइट सीन को जाती है मोस्टली इन्होंने जो उनकी ऑर्डनरी बसेस पुरानी हो गई उनको इन्होंने साइट सीन वाली में कन्वर्ट कर दिया है, या कैफ़े में कन्वर्ट कर दिया है, या फिर कल मैंने डॉर्मेटरीज दिखाई थी उनमें कन्वर्ट कर दिया, ताकि इनका रेवेन्यू पे फ़र्क ना पड़े. ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे और भी बसेस खड़ी है. तो यहाँ से 3 से 4 बसेस ऑपरेट करते हैं एक दिन में. ठीक है, जिनका टाइमिंग होता है 9 AM से 5 PM तक. और ये मोस्टली प्लेसेस कवर कराते हैं. आज इनका मंडे टू फ्राइडे 250 का होता है, सैटरडे संडे 300 का होता है. बट आज वो 300 वाला ही था. हो सकता है न्यू ईयर का टाइम है, इसलिए उन्होंने अपना टिकट बढ़ा दिया. बाकी अभी हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर जाके मैं आपको मिलता हूँ. बाकी कल जिस बस में हम लोग मुन्नार आए थे वैसा ही ऑर्डिनरी बस है. बाकी अभी चलेगी तो मैं मिलूँगा आपको. अभी हम लोग हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, जिसका नाम है मधुपेटी टी गार्डन्स. और यहाँ से आप पूरा टी गार्डन का व्यू देख सकते हो. बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है. बाकी वहाँ देख सकते हो पूरा फोग सा हो रखा है कि बादल बिल्कुल नीचे आ गए. और यहाँ से पूरा ग्रीनरी टी गार्डन्स देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा. इधर भी है ये एक्चुअली आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी. चेन्नई एक्सप्रेस में वो जो टी गार्डन्स पे जो एक गाना शूट हुआ है, ठीक है, वो इधर ही हुआ है. और बाकी हम लोग आगे जाएंगे तो आगे मैं मिलूँगा आपको. ठीक है, वापस ज्वाइन करूँगा. सेकेंड डेस्टिनेशन है, देख सकते हो आप टी गार्डन्स. यहाँ पे आप अपने सुंदर सुंदर फोटो क्लिक कर सकते हो. ठीक है, और नेचर का एंजॉय कर सकते हो. बाकी देख सकते हो चारों तरफ आपको टी गार्डन्स दिखेंगे. और यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, वो सब अपना फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं. और बाकी अगर आप इनके द्वारा अभी फ़ोटो क्लिक कराना चाहते तो वो लोग 50 रुपीज़ पर फ़ोटो का चार्ज करते हैं, एंड देन आउटसाइड वो लोग आपको फ़ोटो प्रोवाइड करा देंगे. ठीक है, तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे घूमते, देन उसके बाद में फिर मैं आपको मिलता हूँ. और फोटो पॉइंट का टिकट प्राइस था 20 रुपीज़. थोड़ा सा
अनएक्चुअल सी चीज़ थी, ना तो ये लोग कैश लेते हैं ना ये लोग इंटरनेट पेमेंट लेते हैं, ये डायरेक्टली ये सिर्फ कार्ड स्वाइप कराते। तो कार्ड अगर आप मेक श्योर अगर आप यहाँ पे आओ तो आपके पास में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एक कार्ड होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो, मिलता हूँ आगे। डेस्टिनेशन पे आ गए, देख सकते हो पूरा मौसम चेंज हो गया है, पूरा फोगी फोगी सा। मैंने बताया था यहाँ पे हाइट पे तो कभी भी बारिश आ जाती है। इधर पीछे आपको पहाड़ दिखेंगे, सामने पूरे नेचर का व्यू। लाइफ में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, ठीक है। यहाँ कैसा लग रहा है कि अगर साथ में होते तो हम लोग इन्जॉय करते, ठीक है। और आप यहाँ पे अगर एक घंटा दो घंटा भी खड़े रहोगे ना तो भी आप आपको कम पड़ जाएंगे। इतनी इतने सीनिक व्यू है, इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से पूरा आप पूरा क्लाउड देख सकते हो, पूरा नेचर का एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप नेचर लवर हो तो मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है ये। इस डेस्टिनेशन का नाम मुझे नहीं पता, ठीक है, डेम करके कुछ ये, तो यहाँ ज़रूर आना है। वाटरफॉल्स पे तो इधर इस साइड में आपको मिलेगा पूरा टी गार्डन्स, और उधर उधर आप ऊपर देख सकते हो पूरा वाटरफॉल है, ठीक है। मैंने पीछे अपने वीडियो में देखा वाटरफॉल, ठीक है। यहाँ पे भी आप इंजॉय कर सकते हो, हाफ एन आवर आई थिंक हाफ एन आवर का टाइम दिया है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी मैं आपको पास में जाके और दिखाता हूँ वाटरफॉल दोबारा से। ये पूरा वाटरफॉल का व्यू देख सकते हो आप। अभी हम लोग हमारी फिफ्थ डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, चीना तला पे, देख सकते हो। लास्ट डेस्टिनेशन पे हमने वाटरफॉल्स देखे थे। यहाँ पे चीना तला में रिवर है, रिवर, और ये नीचे पूरी रिवर जा रही है, ये पूरा टी गार्डन, और सामने पूरे सुंदर माउंटेन्स जो कि पूरे बादलों में ढके हुए हैं। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता जीवन में। अगर आपको लाइफ में कभी भी मौका मिले मुन्नार आने का तो प्लीज़ मुन्नार एक बार ज़रूर आए। और आप ये प्लेसेस आप खुद से मेरे हिसाब से आप नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। सबसे अच्छा यही है, आप आराम से 300 का टिकट ले और ये आपको हर जगह पे 10-15 मिनट्स देते हैं। यहाँ पे आराम से आप अपना एंजॉय करो, फ़ोटो लो और खाने पीने को भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी देख सकते हो पूरा। तो मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया ये माउंटेन्स पे है तो यहाँ पे कभी भी बारिश आ जाती है। देख सकते हो पूरा मौसम बारिश वाला हो रहा है। उस साइड में तो नीचे है तो वहाँ पे वो बारिश वाला मौसम नहीं है। इधर पूरे में आप देख सकते हो बारिश वाला मौसम है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बारिश आती है फिर वापस धूप आ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए तैयार है। बाकी अभी अगले डेस्टिनेशन पर जाएंगे फिर मैं आपको ज्वाइन करूँगा। अभी हम लोग आ चुके हैं अनियापंकल डैम में। नाम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज थोड़ा मुश्किल है नाम, ठीक है। बाकी देख सकते हो आप उधर आपने टी गार्डन्स और पूरे और इधर रिवर और इधर पूरा डैम बना हुआ है। तो अभी मैं डैम के पास में जाऊंगा फिर मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है। ये बस है जिसमें हम लोग आए थे। बाकी अगर आप प्राइवेट टैक्सी और उनसे आते हो तो वो आपसे 3,000-4,000 लेंगे। उससे अच्छा आप अपना ये बस बुक करो 250-300 रुपये में और पूरा दिन आराम से पूरे टूरिस्टिक प्लेस कवर करो। ये नीचे पूरा आप डैम देख सकते हो और इधर पूरा रिवर और उधर टी गार्डन्स। बाकी एक्चुअली यहाँ पे कभी भी बारिश आती है बूंदाबांदी, अब 10-15 मिनट आती है, 10-15 मिनट बाद में फिर चली जाती है, फिर वापस आ जाती है। देख सकते हो यहाँ बारिश आ रही है, वहाँ पे बिल्कुल सूखा है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते आगे, ठीक है। 10-15 मिनट हो गए हम पाए हुए,
मिलता हूँ अगले डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो चिराकल स्पाइसेस स्पाइस गार्डन टूर। और अभी हम लोग यहाँ मुन्नार बेसिकली फेमस है अपने स्पाइसेस के लिए, चॉकलेट्स के लिए और टी के लिए। तो यहाँ पे पूरा इनका गार्डन बना हुआ है स्पाइसेस का, ठीक है, और टी का। तो अभी हम लोग वो विज़िट करेंगे, तो उसके अभी अंदर चलते हैं। अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ आप पूरा गार्डन। हम लोग अंदर गए थे, अंदर एक्चुअली कैमरा अलाउ नहीं था। बाकी यहाँ पे ये शॉप भी बनी हुई थी, ठीक है, इसमें आप पूरा स्पाइसेस ले सकते हो। अगर कंबाइन लेना चाहते हो तो 150 रुपीज़ में पूरा कंबाइन भी है, और सिंगल सिंगल लेना चाहते हो तो वो भी है। चॉकलेट्स भी थी, और यहाँ पे टी के 1 kg 2 kg के पैकेट भी थे। एक्चुअली मुझे इसके बाद में आगे तमिलनाडु और आगे भी जाना है, इसलिए मैं लगेज ऑलरेडी इतना ज़्यादा है कि मैं आगे कुछ लिया नहीं। बट जब मैं रिटर्न वापस आऊँगा तब मैं यहाँ से टी और ये चॉकलेट्स ज़रूर लेके जाऊँगा, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, मिलता हूँ आगे। अभी हमारी बस खाना खाने के लिए रुकी है, देख सकते हैं ये बस, और इधर अभी खाना खाएंगे देन फिर मिलता हूँ मैं आपको। हमारे लास्ट डेस्टिनेशन पे आ गए, ठीक है। इसमें हमको 2 kilometers का ट्रैकिंग करना पड़ेगा, और अगर आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते जीप से भी आना, जीप से भी जा सकते हो, जिसका प्राइस है 600 rupees। और आज हमने टी गार्डन्स देखे, रिवर देखी, वाटरफॉल्स देखे, अभी हम लोग विंड मिल्स देखने वाले हैं। तो अभी ट्रैकिंग करते हैं, फिर मैं आपको इस डेस्टिनेशन का नाम भी बताता हूँ आप पूछ के, और बाकी ऊपर चलते हैं। अभी हम लोग बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं, देख सकते हो आप, यहाँ पे विंड मिल और भी आगे विंड मिल बनी हुई है। इससे सुंदर जगह नहीं हो सकती कुछ, मतलब बिल्कुल टॉप पे ऐसा लग रहा है कि बादल बिल्कुल नीचे आ गए ज़मीन पे, देख सकते हो आप। अगर आपका लाइफ में कभी प्लान हो तो प्लीज़, अगर एक बार जीवन में कभी मौका मिले तो मुन्नार ज़रूर आए। मुन्नार वाकई ये डेस्टिनेशन आप कवर कर सकते हैं बस से, ठीक है, जो मैंने पहले बताया 250 rupees आई थिंक या 300 rupees इसका चार्जेज है। और उस साइड में बहुत सारे विंड मिल है, यहाँ से छोटे छोटे दिख रहे हैं। बाकी हम लोग अभी उधर ऊपर जाने वाले हैं, फिर मैं आपको ऊपर जाके फिर वापस मिलूँगा। इस जगह का नाम है चतुरंगे पारा, ठीक है, नाम ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बाकी यहाँ पे आप हाफ एन आवर, एक्चुअली हमारे पास टाइम 1 hour का ही है। बाकी आप यहाँ पे खड़े हो के आप, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बाकी अभी हम लोग उस साइड में जाने वाले हैं, ठीक है, और उधर जाके फिर मैं आपको ज्वाइन करूँगा। हम लोग बिल्कुल टॉप पर आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पर पूरा चारों तरफ आपको विंड मिल दिखेगी, और ये यहाँ से पूरा पहाड़ों का व्यू देख सकते हो। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बादल बिल्कुल नीचे आ गए, ठीक है। और ये सब एक्चुअली सब कुछ पॉसिबल हो पाया आप लोगों की वजह से, आप हमारे YouTube फैमिली की वजह से, और आप हो तभी हम लोग यहाँ तक घूम पा रहे हैं। और आप लोगों को घुमाने के लिए हम लोग इतना, मतलब स्ट्रगल करके इतना ऊपर आए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल, इट्स माई ग्रोइंग फेज, ये रिक्वेस्ट करूँगा। प्लीज़ अभी नया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, नए वीडियोस के लिए। बाकी देख सकते हो आप, ठीक है, ये हमारा आज के दिन का लास्ट डेस्टिनेशन था। इसके बाद में अभी हम लोग वापस जाएंगे मुन्नार सिटी में, ठीक है। यहाँ पर आप हमारे पास एक घंटे का टाइम था, ठीक है, यहाँ पर आप 1 hour पूरा इंजॉय कर सकते हो। बाकी अगर नीचे से अगर आप जीप से आना चाहते हो तो 600 में जीप से भी आ सकते हो उस वाले पॉइंट से, या फिर मैं तो ये बोलूँगा आप ट्रैकिंग करके आ जाओ। 600 देने का कोई सेंस नहीं है, मुश्किल से आपको 10-15 मिनट लगेंगे आपको ट्रैकिंग करने में, और वो आपके हेल्थ के लिए भी सही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग, हमने यहाँ पे विज़िट कर लिया, घूम लिया सब कुछ, फ़ोटोज़ ले लिए, अभी हम लोग वापस नीचे जाएंगे अपने बस के पास में, तो फिर मैं नीचे जाके आपको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। ऐसी जीप आती है जो 600 में आपको ऊपर से नीचे लेके जाती है, ठीक है, तो नीचे मिलता हूँ मैं आपको। अभी बारिश आ जाती है, अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, और देख सकते हो अभी बिल्कुल पूरा बारिश आने लग गई है। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी नीचे जाएंगे,
और फिर मैं आपको बस में ज्वाइन करूँगा। एक्चुअली हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए, आप देख सकते हो, आप बिल्कुल दुनिया गायब हो गई है यहाँ की। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी नीचे जाएंगे